दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग आई एम कॉल्स. आई एम कलकत्ता का आई एम कॉल आ गया है, आई एम रांची का आएगा कि नहीं आएगा, किसी बच्चे का आई एम विशाखापट्टनम का आएगा, आई एम बैंगलोर का आएगा. इज इट अ साइंटिफिक वे टू गेट द आई एम कॉल्स और रैंडमली कॉल्स आती हैं? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. गाइज, माई नेम इज अंकुर जैन एंड आई एम योर टूडेज होस्ट. बहुत जल्दी ही अब आपको सारे आई एम्स की कॉल लेटर्स रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आई एम्स अपनी जो लिस्ट है वो अनाउंस कैसे करता है, मोटा मोटा क्या एक सेट रूल है? नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से ये पता लगता है कि चार कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है. इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, नॉन क्रीमी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड एसटीएससी. अब ये हो गए चार कैटेगरीज ऑफ द एस्पिरेंट्स. और अब आपको, जैसे आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स की, तो एक ओल्ड अर्स्टवाइल आईएम्स व्हिच इज योर ABCLIK, देन न्यू आईएम्स एंड देन बेबी आईएम्स. सो इट्स काइंड ऑफ अ 4x3 मैट्रिक्स. अगर आपको समझ आ रहा है कि चार टाइप की कैटेगरीज, तीन टाइप के कॉलेजेस, इनकी रेंज डिफर करती है. अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो तो 99% से ज्यादा का परसेंटाइल होना पड़ेगा, तब चांसेस है आपको ABCLIK से कॉल आने की. लेकिन शायद बेबी आईएम्स में आप इंजीनियर हो, 95% के ऊपर भी कॉल आ सकता है. यही अगर SC ST कैंडिडेट हैं, तो जो मेन आईएम्स हैं, विच इज योर मेन, यू नो, ABCLIK, 90% से ऊपर हो तो आपको कॉल आ सकता है. लेकिन यही बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स में इट वेरीज बिटवीन 65-75%. इतना फर्क है, क्योंकि आज की डेट में किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो और क्या परसेंटाइल है, दैट विल गिव यू अ बिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कि मुझे कहां से कॉल आने वाला है. लेकिन इज दिस डन? विल यू, व्हेन यू गेट अ कॉल, will you get a final selection in that particular IIM? No, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर साल इतने सारे बच्चे CAT लिखते हैं, उनके percentile आते हैं, लेकिन final जब selection होता है, मोटे मोटे 4-5 criteria पे आपको evaluate किया जाता है. CAT percentile, CAT percentile obviously gives you first opportunity to get a call from that particular IIM. Second, work experience. वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, खासकर मेन आईएम्स में, ABCLIK में तो बहुत मैटर करता है, न्यू आईएम्स में भी करता है, बेबी आईएम्स में अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि द आइडिया इज के एटलीस्ट स्टार्ट गेटिंग अ क्लास. ओके, लेकिन अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस ज्यादा हैं टू गेट अ फाइनल कॉल. थर्ड, जब एक कॉलेज होता है ना, वो कॉलेज अपनी क्लास में डाइवर्सिटी मेंटेन करना चाहता है. वो डाइवर्सिटी सिर्फ मेल फीमेल डाइवर्सिटी नहीं होती, वो डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी होती है कि क्या मैं इस क्लास में, अगर 60 की क्लास है तो क्या 20% बच्चे फ्रेशर्स रखूं, 40% एक्सपीरियंस रखूं, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से रखूं? क्या अगर एक क्लास में सारे के सारे इंजीनियर्स हो जाएंगे, हाउ विल एवरीवन एल्स विल लर्न? हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि कैंपस में जितना आप टीचर्स और फैकल्टी से पढ़ते हो, उतना ज़्यादा पीयर टू पीयर लर्निंग होती है. आईएम्स में जाने का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरों से पढ़ें. उसके लिए कॉलेज क्या करता है, वो एक डाइवर्सिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, दैट इज द अदर वेरी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. चांसेस हैं कि अगर आपका शायद 98% है और आपको अगर LIKA से कॉल भी आया है, लेकिन अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस, लेट्स अज्यूम, किसी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, या आपने यूनाइटेड नेशंस में आउट ऑफ इंडिया कहीं काम किया है, आप आर्म्ड फोर्सेस हो, आप डॉक्टर हो, आप अपना बिजनेस करते आए थे, शायद चांसेस हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए. क्योंकि हर कॉलेज ये चाहता है कि मेरी क्लास में एक डाइवर्स व्यू पॉइंट आ सके. डाइवर्स व्यू पॉइंट आते हैं तो नए ओपिनियंस आते हैं, और नए जो बच्चे क्लास में जब बैठते हैं तो एक, यू नो, फॉर एंड अगेंस्ट व्यू पॉइंट से आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है. फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम ये पढ़ रहे हैं और जितनी तैयारी कर रहे हैं, बहुत डिपेंड करता है द डी डे में. डी डे क्या होता है, उस दिन GDPI आपका कैसा जाता है. बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मार्क्स होते हैं, क्योंकि अभी तक ना इंटरव्यू ने आपको देखा नहीं है. नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन अ इंटरव्यूअर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज इवैल्यूएटिंग यू, यू नो, फेस टू फेस. वो देखना चाहता है कि यार क्या जो इसके क्रेडेंशियल्स थे, जो उसका CV था, जो प्रोफाइल था, जो उसके CAT के मार्क्स थे, और जो ये बोल रहा है उसमें कितना फर्क है. इतना मान के चलें, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, उसके पास 10-15-20-25 साल का एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस है. ही एंड शी नोज वेरी वेल टू वैल्यूएट द राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज.
सो यू कैन नॉट फूल देम अराउंड. आप जैसे हो वैसे जाओ, वैसे प्रेजेंट करो. हाउ कैन यू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस केस इट्स योर कॉलेज, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ. अगर ये क्लैरिटी है तो चांसेस हो गए कि आपका जो जी डी एंड पी आई है ना, आप बहुत सीमलेसली क्रैक कर पाओगे. सो हमने क्या सोचा कि आपको बताएं कि आपको एक्सपेक्ट कहां से होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत दिक्कत वाली बात होगी कि 10 दिन बाद बोल रहे हो शेट मेरे तो अहमदाबाद से कॉल नहीं आया. चांसेस बहुत कम है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में और आपके 94-95% है, चांसेस बहुत ही कम है कि आपको कॉल आना था. और लेट्स अज्यूम अगर आप इंजीनियरिंग कैटेगरी से हो और आप न्यू आईएम्स में हो, 96% है, कॉल तो आना था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कम थे, आपने वर्क एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर्स थे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करने के लिए कुछ नहीं था, आपका जीडीपीआई इतना स्ट्रांग नहीं गया. सो इंस्टेड ऑफ कैन यू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, कैन यू प्रिडिक्ट कि आपका फाइनल सिलेक्शन कहां से होना है, ये कुछ पैरामीटर्स को अगर हम जज करेंगे, इट विल हेल्प यू डिसाइड कि मेरा फाइनल सिलेक्शन कहां होने वाला है. इन एनी वेज IIMS इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर मेनी मेनी बेटर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेयर यू कैन गो एंड परस्यू योर ड्रीम ऑफ गेटिंग एन MBA डिग्री. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू.